गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंसी पेयर ट्रेडिंग। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये नए ट्रेडर जो मार्केट में अभी भी आए हैं और या फिर जो कुछ है महीना एक साल हुआ है जिनको, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो का पूरा देखेंगे, और आज का वीडियो थोड़ा बड़ा भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट लेके आया हूँ मैं। तो शुरुआत हम पेयर से करेंगे दोस्तों। जैसे कि अभी आप सीट में, पहले मैं आपको करेंसी वाले में ले चलता हूँ। तो जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे 6 पेयर है हमारे पास। आज तो संडे है, मार्केट बंद है, इसलिए इसमें कुछ सिग्नल अपडेट कुछ होगा नहीं। तो पेयर्स में काम करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लॉसेस कम होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि कोई भी चीज़ हम हमेशा प्रॉफिट के लिए नहीं सोच सकते। हमें ये भी ट्रेड लेने से पहले ये देखना होता है कि हमारा एक्सट्रीम लॉस कितना हो सकता है उस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर। तो इसलिए उस चीज़ के बारे में भी आपको बताऊंगा। और पेयर ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और लॉस के चांसेस कम होते हैं, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 3 टाइम्स होती है और लॉस की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 टाइम होती है। उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं इसमें। तो मैं आपको एक बार एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ब्रश केस सिनेरियो के लिए, जो बुरी सी बुरी स्थिति हो सकती है आपकी अगर आप कोई ट्रेड लें, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको क्रूड ऑयल का एक बार एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये देखिए, ये US ऑयल है, इसको हम चार्ट ले चलते हैं। देखिए, ये 1 डे का चार्ट है दोस्तों। ये देखिए, किसी टाइम पे क्या, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये है आपका, एक सेकंड रुकिए बताता हूँ, 20 अप्रैल 2020। तो इसकी जो वैल्यू थी, आप देखिए ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि $1 से भी, $0.01 इसकी वैल्यू हो गई थी दोस्तों। ठीक, ऐसा कोई सोच भी सकता था क्या कभी कैसा होगा बोल के? इसलिए इस मार्केट में कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता दोस्तों। तो हमें एक बुरी सी बुरी स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो कोई भी ऐसा ट्रेड ना लें जो हमारे पूरे कैपिटल को, हमारी पूरी संपत्ति को, पूरे सब पूरा नष्ट हो जाए आपका, कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है दोस्तों अगर आप उसको बेयर ना कर पाओ तो। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन, कभी मौका भी नहीं मिल पाता आपको निकलने का। इसलिए वही ट्रेड लें आप जो आप लॉस बेयर कर पाएँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक एक करके, धीरे धीरे आप समझेंगे, और कुछ मार्केट के जो टर्म्स होते हैं ख़ास तौर पर शेयर मार्केट की, वो भी समझाऊँगा वीडियो में। तो देखिए, अभी फ़िलहाल तो इस पर कोई ट्रेड है नहीं, हो सकता है 5th और 6th नंबर पर आए, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन मैच हो रही है। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, ओपन है और ये वैल्यू हमारी 50 से ऊपर है। इन 3 में अभी हम सोच भी नहीं सकते, नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे भी आपकी सबसे ज़्यादा। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे सीट के अंदर, इस पर आपको बहुत ट्रेड मिलेंगे। साल में आपको 5 से 6 बार ये आपको ट्रेड दे देगा और आपको 25% दे देगा आपके यूटिलाइज कैपिटल का, और इसमें आपको कम मिलते हैं 2 से 3 ट्रेड। तो आपके लिए तो वैसे 4 ट्रेड ही काफ़ी हैं अपने आप कैपिटल को डबल करने के लिए, फिर भी यहाँ पर आपको 10 से 15 ट्रेड मिलेंगे, 1-2 आपके लॉस में भी हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए, पेयर ट्रेडिंग में होता क्या है कि प्रॉफिट के 3 चांस होते हैं दोस्तों। एक सेकेंड, मैं आपको पहले इस पर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर जिसके पास, हाँ कुछ लोग ये फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर कि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट है और हम लोगों को ट्रेड करना है, और करेंसी में तो बिल्कुल सिग्नल नहीं आते, आज 15 दिन हो गए कोई सिग्नल नहीं है। जिसने मुझसे लिया हुआ है तो वो बोल रहे थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमारे पास फ़ंड ज़्यादा है, तो आप क्यों ना इक्विटी फ्यूचर्स के ऊपर बताइए। देखो दोस्तों, ऐसा है, फ्यूचर्स में काम करना ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो भी स्टॉक हैं आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं, निफ्टी 50 के या टॉप, बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास जो बोल सकते हैं आप इनको। तो हमें ऐसे ही स्टॉक पे पेयर बना के काम करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे सेक्टर जो स्टॉक का सेम होना चाहिए, और इन दोनों में तो वैसे भी बहुत अच्छा रिलेशन देखिए, और ये साल में 3 से 4 बार आपको ट्रेड देता है और हमेशा प्रॉफिट देता है दोस्तों। आप इसकी हिस्ट्री चेक करें अगर पीछे, तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिला होगा अभी तक। शायद ऐसा कोई भी ऐसा ट्रेड इस पेयर में होगा जो लॉस दिया हो इस टाइप से, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये भी आपको बहुत अच्छे मौके देता है। ठीक है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे भी 8 सिग्नल दिखा रहा है, जबकि
इसमें आपको कोई सिग्नल नहीं है, ना बाई सिग्नल है ना सेल सिग्नल, और ऑलरेडी 6 पेयर हैं, जबकि यहाँ कंपेयर करें आप, इसमें लगभग 150 पेयर हैं दोस्तों टोटल। अगर मैं आपको दिखाऊँ नीचे तक, देखिए 150 पेयर हैं, तो इसमें आपको हमेशा एक या दो ट्रेड मिलते ही रहेंगे। तो इसलिए इसके बाद ज़्यादा फंड है, ज़्यादा बोले तो 40-50, ठीक है। अगर आप बिलो 10-20 हैं तो आप इस पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक्सट्रीम कंडीशन क्रूड ऑयल वाली, मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा कि आप कितना लॉस कर सकते हैं करेंसी में और उसमें। सपोज़ पहले मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको करेंसी का, सपोज़ सामने एग्ज़ाम्पल देना ज़रूरी है। सपोज़ अभी मान लो 60 रुपये का रेट चल रहा है आपका JPY INR, और इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 60,000। तो अगर मान लो JPY INR का जो हाल है, यानी कि जो इसकी कंडीशन अगर क्रूड ऑयल जैसी हो जाती है ये वाली, तो आपको मैक्सिमम 60,000 ही लॉस होने वाला है दोस्तों। जबकि अगर आप इस पर ट्रेड करते हैं, अगर आप देखिए 550 का लॉट साइज है और इस पर आप मल्टीप्लाई करें तो 6-7 लाख के आसपास, कुछ ज़्यादा भी जा सकता है। तो अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कुल 5 लाख रुपए है और आप 6 लाख का रिस्क कैसे ले सकते हो दोस्तों? तो मेन मकसद बताने का यही है कि आप उसी ट्रेड को करें, मतलब उस बुरी कंडीशन को हमेशा दिमाग में रखें। प्रॉफिट तो आपका आएगा ही आएगा, वो तो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन लॉस भी हो सकता है आपको। जितना आपने साल भर, 2 साल 3 साल में कमाया, वो एक ट्रेड आपका पूरा लेके चले जाएगा। तो इसलिए आपको लॉस बेयरिंग कैपेसिटी समझनी चाहिए, मैं कितना लॉस सह सकता हूँ और उसी ट्रेड को लें। दोस्तों करेंसी में आप सह सकोगे आराम से 60,000-1 लाख मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, और वो भी उस कंडीशन में होगा अगर आपकी दूसरी करेंसी वहीं पर रुकी रहती है। अगर वो भी गिरती है साथ में तो और कम होगा दोस्तों। तो इसलिए आप इनिशियल स्टेज में जब भी मार्केट में आएँ तो एक तरफा ट्रेड न करें, पेयर्स में करें, और मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगा, और अच्छे स्टॉक में करें। मैं आगे डिस्कस करूँगा, आज मैंने बताया था आपको कि मार्केट टर्म के बारे में, तो यहाँ पर हम कुछ जो सिग्नल हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। और मैं आपको बता रहा था बार बार कि 3 चांस होते हैं यहाँ पर प्रॉफिट के, और लॉस का 1 चांस होता है, उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए एक पेयर दोस्तों यहाँ पर डाबर और ब्रिटानिया और डाबर के ऊपर है, ब्रिटानिया सेल करना है और डाबर बाई करना है हमने यहाँ पर, तो हमें सिग्नल दिया है। पिछले 1 साल का डेटा है दोस्तों, और ऐसे ही 3-4 है, मैं 3-4 पिक किए हैं, तो 8 सिग्नल, उसमें कुछ फेक भी हैं जो जेन्युइन थे, मैंने इसमें ले लिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको किस टाइप से ट्रेड करना है बताऊँगा। देखो चार्ट देखने का जो तरीका होता है पेयर ट्रेडिंग के लिए खास तौर पे, उसको आपको इसे स्क्रॉल नहीं करना है, ऐसे करोगे ये तो ये गड़बड़ बताएगा, ये सही डेटा नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका नहीं होता है, इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको 5 ईयर्स का लेना है, 1 ईयर्स का लेना है, अभी इस साल जब स्टार्ट हुआ अभी से तक लेना है, या फिर 6 महीने का। लेकिन दोस्तों पेयर ट्रेडिंग में डे क्लोजिंग के ऊपर काम करते हैं हम लोग, तो इसलिए हम 1 ईयर का डेटा लेते हैं, ताकि यहाँ पर डे आते ही, देख रहे हैं आप डी ऊपर, तो ये डेली चार्ट के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं, देखो 30 मई, मतलब मई से पिछला मई 2020, यानी 1 ईयर का डेटा है दोस्तों। यहाँ पर इतना अच्छा गैप जनरेट हुआ है ACC और अल्ट्राटेक सीमेंट में, तो आप सीट पर भी दे सकते हैं ACC और अल्ट्राटेक। दिखाता हूँ आपको सीट में, देखिए ये देखिए ACC और अल्ट्राटेक सीमेंट पे। और देखो स्टॉप लॉस 2 टाइप से हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। एक तो आपका स्टॉप लॉस जैसा मैंने बताया कि 70 से नीचे आपकी ये वैल्यू आ जाए तो आपको निकल जाना है, कौन सी वैल्यू, Y की वैल्यू। और एक स्टॉप लॉस आप दूसरा भी रख सकते हैं, जो थोड़ा कंजर्वेटिव हैं, जो मतलब ज़्यादा लॉस नहीं सह सकते, या फिर जिनके अंदर थोड़ा कम पेशेंस, शुरुआत में सभी के पास कम होता है, लेकिन ये उनके लिए लागू है दोस्तों जिसके पास 40-50 लाख रुपए है। छोटे कम कैपिटल वालों के लिए बिल्कुल भी मत करें इसमें ट्रेड, आप करेंसी में वेट करें, अपने ट्रेड आने का आएगा, कहीं नहीं जाएगा। वेट पेशेंस से आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, आपकी क्वालिटी बनती है एक अच्छे ट्रेडर बनने की। तो पेशेंस डेवलपमेंट के लिए आपको करेंसी में से ही स्टार्ट करना चाहिए। आप देखो 10 दिन से कोई ट्रेड नहीं है, फिर भी आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, यानी कि आप अच्छे ट्रेडर की तरफ जा रहे हो। उतावलापन, जल्दीबाजी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, ये सब प्रॉफिट नहीं देते दोस्तों, ये लॉस ही देते हैं हमेशा। तो मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे, हाँ ये हो गई थी बात, अच्छा इस पेयर के बारे में बात कर रहे थे। हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैसे इस मार्केट में, सॉरी पेयर ट्रेडिंग में 3 टाइप से प्रॉफिट होता है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए
जिनको पता, कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉफिट के चांस तीन होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। सपोज आपने ट्रेड लिया तो आप हमेशा महंगी चीज़ बेची जाती सस्ती खरीदी जाती, ऐसा आप अमूमन देखते हो, ठीक है। आपने ACC को सेल किया, ठीक, इसको सेल किया है और इसको बाई किया है। अब देखो ये अपनी जगह रुका रहता है और ये जो सेल किया है धीरे धीरे नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों। एक कंडीशन ये हो गई आपकी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ये अपनी जगह रुका हुआ है, एक सेकंड डेटा थोड़ा हिल गया है फिर वन ईयर में ले, देखिए ये अपनी जगह पर रुका हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है और ये धीरे धीरे जो आपने बाय किया ऊपर की तरफ जा रहा है, तब भी आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका कल उसमें प्रॉफिट शो करेगा दोस्तों, क्योंकि ये फ्यूचर है, इसमें टाइम वैल्यू का तो कोई चक्कर है नहीं, जो गलेगी या फिर वेस्ट होगी मेल्ट होगी, ठीक है। मानता हूँ एक्सपायरी के आप पास आने के बाद आपको रोल ओवर करना पड़े, वो भी बताऊँगा मैं आगे वर्ड रोल ओवर क्या होता है, ठीक है। ये दो, अब तीसरी कंडीशन जो है प्रॉफिट की वो भी बता देता हूँ आपको। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती है हमें अगर इस टाइप का हमें मिलता है तो। देखिए आपने जो सेल किया वो नीचे की तरफ आने लगे, जो बाय किया वो ऊपर की तरफ जाने लगे, तो आपके दोनों ट्रेड्स प्लस ग्रीन दिखाई देंगे दोस्तों, पॉजिटिव दिखाई देंगे, ठीक है। ये खूबी है पेज ट्रेडिंग की दोस्तों। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि कब आपको लॉस होगा दोस्तों। आपने सपोज इसको महंगी चीज़ को हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, सेल करते हैं, ठीक है। आपने इसको सेल किया, ठीक है, इस एरिया पर आपने सेल किया, सेल करने के बाद अगर ये ऊपर बढ़ने लगे और ये बाय करने के बाद नीचे जाने लगे, तो यहाँ पर आपको दोनों में लॉस होगा दोस्तों। तो यही ऐसी कंडीशन है जो लॉस देती है आपको पेज ट्रेडिंग में, और उस चीज़ से बचने के लिए, निपटने के लिए ये सीट आपकी हमेशा हेल्प करने वाली है। इसलिए सीट बनाने का मकसद ही है दोस्तों। लोग पेज ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन उन लोग को ये नहीं पता कि कब उन्हें निकलना है। आप गैप देख के ट्रेड तो ले लेंगे, आप वेट करते रह जाएंगे, लेकिन गैप इतना बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे करना क्या। जैसे कि अभी USD INR के साथ हुआ है बाकी करेंसी का, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया आपको कि किस टाइप से एक सिनेरियो है लॉस वाला, ठीक है दोस्तों। तो अभी आगे मैं आपके बारे में डिस्कस करता हूँ। हाँ, एक दो ट्रेड और हैं, इस पर भी हम नज़र मार लेते हैं, NTPC और IOC। देखिए इसमें सीट पे दे रहा है क्या, NTPC और IOC देखते हैं। लुपिन ग्लेनमार्क का भी है दोस्तों, ये मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं ट्रेड। और कौन सा था अभी, एक सेकेंड, NTPC IOC, ठीक है। यहाँ पर सेल का ट्रेड जनरेट हुआ है, स्टॉप लॉस आपका 10% का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए अभी देखिए आप पूरे साल भर में अगर आप इसको गैप को अगर कंपेयर करें वन ईयर डेटा के हिसाब से, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गैप है शायद अभी है, ठीक है। और दोनों एक ही सेक्टर के हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि ये कुछ और सेक्टर से है, IT का हो और ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर का हो, ये सेम सेक्टर के हैं, तो ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, उनकी मजबूरी है चलना। अगर तेल के भाव गैस के भाव बढ़ते हैं तो एक दूसरे को ज़रूर इम्पैक्ट करते हैं वो, तो कुछ टाइम के लिए कंपनी का किसी का अच्छा रिजल्ट किसी का बुरा रिजल्ट या फिर थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटना की वजह से कोई जल्दी बढ़ जाता है या फिर कोई अपोजिट चले जाता है, लेकिन फाइनली बाद में वो मिलते ज़रूर हैं दोस्तों। अच्छे स्टॉक की यही पहचान होती है, तो इसलिए हम उन्हीं पेयर में पेयर ट्रेडिंग करते हैं जो भरोसेमंद होते हैं। होने को तो बहुत सारे पेयर हैं लेकिन सभी में आप नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको पूरा समझा दिया इसमें दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि आगे मैं आपको बताऊँगा मार्केट्स के जो टर्म होते हैं जो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैंने एक इसमें एक स्लाइड बनाई हुई है, मैं आपको वन बाई वन समझाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम ओवर ट्रेडिंग से दोस्तों। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, मान लो आप कोई भी बंदा नया मार्केट में आता है तो सब यही सजेस्ट करते हैं आप इंट्राडे कर लो, क्योंकि वो कम पैसे लेके आता है मार्केट में, 10,000 5,000, तो और आपको ब्रोकर भी बोलता है कि आप मार्जिन ले लो मेरे से 10,000 का 10 गुना ले लो। बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं, वो आपको बहुत लेवरेज देते हैं लेकिन इंट्राडे के लिए, पोजिशनल नहीं देते, उनको पता है अगले दिन, किसी को नहीं पता क्या हो सकता है, ठीक है। जब ब्रोकर इतना उसके पास पैसा है फिर भी अगर वो आपको नहीं दे रहा फंड, तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने ओन मनी से ही ट्रेड, आपके पास 10,000 है तो 10,000 से ही करें, न कि उधारी के पैसे से करें,
उसको एक क्रेडिट कार्ड समझो। जैसे क्रेडिट कार्ड मान लो आपकी 1 लाख लिमिट है, ठीक है, और आपकी मंथली सैलरी 30,000 है, ठीक, और आप 1 लाख अगर पूरा यूज कर दोगे और बिलिंग डेट के दिन आप पे नहीं कर पाओगे तो आपको कितना परसेंट भरना पड़ेगा। तो एक तरफ से क्रेडिट कार्ड यूज़ मत करें आप अगर आपकी लिमिट उतनी बेयरिंग की नहीं है तो। इसलिए अपना जितने आपकी सैलरी मतलब जितना आपका कैपिटल है उतना ही आप यूज करें, ठीक है। और कोशिश करें आप पोजिशनल ट्रेड करने का जब आप मार्केट में नए आते हैं शुरुआत में, और वो भी पेयर्स के टाइम, ताकि आपको कोई ट्रैप भी ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको पता है बड़े जो ट्रेडर हैं रिटेल ट्रेडर का पैसा वही लोग ले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्रैपिंग से भी बचते हैं आप पेयर्स ट्रेडिंग में। तो ये सबसे बड़ी खूबी है, मैंने पिछले आपको बताया कि किस टाइप से प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम से होती है और लॉस की 1 होती है, ठीक है। और लेवरेज का आपको बता दें, लेवरेज का भी यूज़ नहीं करना होता दोस्तों। देखो आप लेवरेज ले रहे हो और ओवर ट्रेड कर रहे हो बार बार, तो आपको लॉस होते जाएगा, लेकिन प्रॉफिट किसको हो रहा है? ब्रोकर को, गवर्नमेंट को। आपका जितना भी चार्जेज हैं, ब्रोकरेज है, वो उसको चाहिए, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग ना करें। आप नए ट्रेडर हैं, आप पेयर्स के साथ ट्रेडिंग करें, वो भी स्टार्ट विथ करेंसी वाले में। इसमें तो आपको आना ही नहीं है, शुरुआत में आपके पास कम रुपया है, तो थोड़ा सीखें, पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर। क्योंकि आप पेशेंस नहीं होगा तो आप पैसा नहीं कमा सकते। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, वो लोग क्या करते हैं, सुबह से 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होती है तो फटाक से नहा धो के टाई वगैरह पहन के लैपटॉप ऑन करके, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है उनका मार्केट के प्रति। तो ये सही तरीका नहीं है दोस्तों। एक बोरिंग प्रोसेस होनी चाहिए पैसे कमाने की। मतलब आपने ट्रेड ले लिया, सपोज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपके सामने फेसबुक है और आपका ट्रेडिंग टर्मिनल है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी तो आप बार बार खोल के देखोगे मेरा कितना पीएनएल चल रहा है, कितना चल रहा है। और अगर आप बोरिंग समझोगे, कोई बात नहीं जब मेरा टारगेट आएगा तब मैं निकलूँगा, आप फेसबुक खोलोगे ना कि आप, जब तक ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, कंप्लीट डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट जो स्लाइड में आपको बताता हूँ, हेजिंग। दोस्तों हेजिंग क्या होती है? हेजिंग मीन्स होता है कि मान लो आपने सपोज कोई फ्यूचर्स या कोई वन साइड बात कर रहा हूँ, मान लो आपने सपोज निफ्टी आप सोचते हो कि ऊपर बढ़ेगी, आपने एक फ्यूचर खरीद लिया उसका, ठीक है। और अगर आपने वन साइड खरीद लिया तो आप बहुत रिस्क, क्योंकि आप वन साइड ट्रेड कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका रिवर्स हो गया, आपका एक्सपेक्टेशन गलत हो गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ से बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो कभी भी एक तरफा ट्रेड नहीं करते, वो अपनी पोजीशन को हैच कर लेते हैं। मान लो आपने फ्यूचर बाई किया तो आप पुट बाई कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको अगर मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाए तो उनका जो पुट ऑप्शन है इसे प्रॉफिट दे दे। ये आपको फ्यूचर लॉस दे रहा होगा लेकिन यहाँ पर आपको पुट ऑप्शन प्रॉफिट दे रही होगी अगर अगेंस्ट जाता है तो। सेम इस चीज़ के लिए यहाँ पे सेल के लिए भी है। कुछ लोग क्या करते हैं जो नए नए ट्रेडर होते हैं, क्योंकि कॉल पुट सस्ते रेट में भी मिल जाती है दूर की स्ट्राइक प्राइस में, वो क्या करते हैं कॉल पुट दोनों बाई कर लेंगे, उनको लगता है बहुत सस्ता हो रहा है। लेकिन वो अगर मार्केट वहीं रही, कुछ उसमें हलचल नहीं हुई तो दोनों जीरो हो जाता है दोस्तों। तो ये सबसे बेकार तरीका है हेजिंग का, मैं इसको हेजिंग मानता ही नहीं मेरे हिसाब से। पेयर ट्रेडिंग जरूर हेजिंग है हमारी तरफ से, लेकिन ब्रोकर इसको हेजिंग नहीं मानता। जैसे मान लो आपने HDFC बैंक और HDFC में ट्रेड करना है सपोज, देखिए हालांकि दोनों HDFC बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल से ही संबंधित है, लेकिन आप इस पर ट्रेड लेंगे आपस में तो आपको पूरा पूरा मार्जिन देना होगा दोनों के लिए, ठीक है। तो ब्रोकर इसको हेजिंग नहीं मानता, लेकिन हम फिर भी हेजिंग समझते हैं क्योंकि एक ही सेक्टर के बिलोंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा। इतनी अगर इसकी लॉन्ग हिस्ट्री आप चेक करें तो ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ओवरलैप करते रहते हैं, टच करने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो दोस्तों कहाँ चले गया ये, हेजिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। और देखो कुछ लोग इस टाइप से भी करते हैं, देखो एक को बाई कर लेंगे एक फ्यूचर को, एक को सेल कर देंगे और वहाँ पर थोड़ा बहुत जैसे मान, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका एक्सपायरी अलग होगी, डिफरेंट होगा एक्सपायरी। मान लो सपोज अभी मई चल रहा है तो एक जून का होगा तो एक जुलाई का होगा, उसमें जो गैप को वो लोग उस गैप का ही वो फ़ायदा ले पाएंगे। तो इसमें काफ़ी रिस्क को बिल्कुल नहीं होता, बट प्रॉफिट थोड़ा कम होता है और ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा लग जाती है दोस्तों। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा पेयर ट्रेडिंग को, क्योंकि मेरा मकसद सभी को पेयर ट्रेड कराना है, क्योंकि सबसे बेस्ट होती है दोस्तों। अब आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
हेजिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि अपने ट्रेड को, अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, अगर आप गलत निकलते हो, आपका अज्यूमिंग गलत हो जाती है, अगेंस्ट चले जाता है ट्रेड, तो ये आपको बचाएगा, वही चीज़ हेजिंग होती है। एक तरफ से इंश्योरेंस समझ लीजिए आप, ठीक है। हेजिंग मतलब इंश्योरेंस। आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं 5 लाख की, और आपने 5,000 का इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस का अगर आपकी गाड़ी को कुछ हो जाता है तो आपको थोड़ा सा लॉस होगा, बट कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये इतना सिंपल भाषा में समझिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है हेजिंग। मतलब तरीके अलग हो सकते हैं हेज करने के, अगर आप बोलेंगे मेरे से तो मैं बना दूंगा अलग से वीडियो इसके लिए, हेजिंग के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। रोल ओवर, आप लोग सुनते होंगे रोल ओवर क्या होता है। रोल ओवर मतलब होता है, सपोज आपने, सपोज मैं अगर पेयर्स की बात करूँ, आपने दो पेयर्स में काम कर रहे हैं, या करेंसी हो सकती है या फिर इक्विटी के फ्यूचर्स हो सकते हैं। सपोज आप करेंसी में काम कर रहे हैं, JPY INR या UR INR पे, और अभी आपका प्रॉफिट आया नहीं, आपका SL आया है, ठीक है, लेकिन आपकी एक्सपायरी क्लोज आ रही है आपके, ठीक है। तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, सेम टाइम पे दोनों, जो भी आपको प्रॉफिट, या तो थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा होगा या थोड़ा सा लॉस, क्योंकि आपका टारगेट तो या तो SL होता है या तो फिर प्रॉफिट होता है, तो वहाँ पर आपको दोनों पोजीशन एग्जिट कर देनी है सेम टाइम पे, और नए फार मंथ फ्यूचर की एक्सपायरी ले लेनी है, ठीक है। इसमें आपको देखो, करेंसी में हमेशा आप ध्यान ये रखें कि आप 2 से 3 महीना दूर की ही लें करेंसी में, ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ पर टाइम लगता है। देखो 12 दिन से कोई ट्रेड नहीं आया, तो कभी कभी महीने भर में भी आपका क्या बोलते हैं टारगेट नहीं आएगा, 1.5 महीना भी लग सकता है। तो इसलिए आप जितना फार मंथ लेंगे, लेकिन आस बिड और आस प्राइस का ज़रूर ध्यान रखें, ताकि आपका जो PNL पे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, क्योंकि बिड आस्क बहुत ज़रूरी है देखना। जहाँ पर आपको ठीक ठाक वॉल्यूम मिले, मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने के आगे में मिल जाता है करेंसी में, और जबकि फ्यूचर्स में आपको अगले महीने का ही लेना होगा, उसके आगे तो बहुत कम वॉल्यूम मिलता है आपको, ठीक है। ये है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज लग जाती है, हमें अगर एक बार बाई करते हैं फिर सेल भी करते हैं सेम चीज़ को, एक तरफा ट्रेड। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, जब तक आप परसेंटेज में कमाना सीखना मार्केट से स्टार्ट करेंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे दोस्तों। एज ए गैम्बलिंग अप्रोच, यानी डबल करना, 3 गुना करना, आप देखते होंगे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ लोग पोस्ट करते हैं कि आज मैंने इतना कमाया। एक तरफ से गंवाया भी होगा, मतलब वो क्या करते हैं, दोनों में ट्रेड लेते हैं, एक में सेम ट्रेड, एक में प्लस एक में माइनस, आप लोगों को ललचाने के लिए। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, अगर इतना पैसा कोई कमा ले तो फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो हलवा हो जाएगा मार्केट, ठीक है। तो आप परसेंटेज से सीखिए, आप खुद समझिए दोस्तों, बैंक आपको 7% पूरे साल भर में, भी बड़ी से बड़ी पोस्ट ऑफिस वाली स्कीम 6% से ज़्यादा शायद दे पाती है। अगर यहाँ पर आप, मैं कहता हूँ अगर आप पेयर्स ट्रेडिंग करें और साल भर में आप ज़रूर अपने कैपिटल का दुगला कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लॉसेज, इतनी पावर है दोस्तों पेयर ट्रेडिंग में, और आपको कोई टेंशन नहीं, आप चैन की नींद सो सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है पेयर ट्रेडिंग में, कि आपको मार्केट का सिनेरियो, ग्लोबल इम्पैक्ट, वॉर वाली कंडीशन, पैंडेमिक कुछ असर नहीं डालती। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा कोरोना काल में सारे स्टॉक गिरे थे, अच्छे भी गिरे बुरे भी गिरे, HDFC बैंक भी गिरा, HDFC भी गिरा, कोटेक भी गिरा, ICICI बैंक भी गिरा, एक्सिस, सारे बैंक गिरे। तो एक तरफ आपको प्रॉफिट दिया तो एक ने लॉस दिया, कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया उसने आपके PNL को। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों पेयर ट्रेडिंग का, मार्केट की वॉलेटिलिटी से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। इसलिए हमेशा आप जब स्टार्ट करें तो पेयर ट्रेडिंग की तरफ ही जाएं दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखो, कैलकुलेटेड रिस्क, इसके बारे में मैंने आपको शायद बता दिया था, मैक्सिमम लॉस के बारे में जो इससे पहले मैंने डिस्कस की थी, कि एक आप JPY INR पर आप मैक्सिमम 60,000 का लॉस करेंगे अगर आप पूरी डूब जाती है। सपोज चाइना अटैक कर लेता, उस पर कब्जा कर लेता और पूरी डूब गई, तो मान लो जीरो हो गई क्रूड ऑयल, या कोरोना से बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई, या फिर कहने का मतलब ये है कि अगर वो जीरो पे आ जाती है आपकी करंट प्राइस से, तो आपको 60,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला पर लॉट उस पर, ठीक है। जबकि आपको, अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं इक्विटी के, तो 6 से 7 लाख आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसी के आसपास निकलेगा किसी में। बजाज फिनसर्व फाइनेंस थोड़ा महंगे हैं, हो सकता है उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट जा रही हो, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप रस्ट कंडीशन के लिए तैयार हैं कि नहीं।
तो ये कभी भी आ सकती है आपकी ज़िंदगी में दोस्तों। आप एक साल दो साल जो ये कोरोना के समय में बहुत से लोगों ने हमेशा प्रॉफिट किया होगा, लेकिन जो लोग एवरेज करते थे हमेशा, सपोज आज आपने क्रूड ऑयल की बात करूँ, अगर बहुत से लोगों ने इसमें करोड़ों अरबों रुपए डुबा दिए, कैसे ये क्या करते थे, आज आपने फ्यूचर पोजिशनल बाई किया फ़ंड लेकर के लोगों का इधर से उधर से, फिर कल गिर गया, फिर एवरेज कर लिया, फिर एवरेज कर लिया, फिर एवरेज करते करते वो जीरो पर 0.01 डॉलर, आपने न्यूज़पेपर में शायद पढ़ा होगा कि मतलब एक प्लेट जो पानी पूरी का रेट हो गया है एक बैरल का। तो दोस्तों इसलिए एवरेजिंग करना बहुत गलत अप्रोच है, आपको स्टॉप लॉस पक्का लेना होता है, उसके बाद स्टॉप लॉस ही आपका प्रॉफिट है, मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते इस मार्केट में दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं कि आप 20-30 साल से काम कर रहे हैं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं दोस्तों। देखो कितनी विडंबना है स्टॉक मार्केट की, अगर कोई इंसान सपोज MBBS डॉक्टर बनना चाहता है, नीट क्वालिफाई करता है, उसके बाद MBBS की डिग्री ले लेता है, तो 5 साल के अंदर या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट या ओन क्लिनिक या कुछ न कुछ वो कर सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको या तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जब ये साइकोलॉजी का गेम है दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 साल में डिग्री 20 साल में भी नहीं मिल सकती, आप चाहें तो 1 साल में भी डिग्री ले सकते हैं, मतलब 1 साल में भी डॉक्टर बन सकते हैं आप यहाँ पर। वो कुल मिला के आपका माइंड सेटअप कितने जल्दी आप साइकोलॉजी को अपनी चेंज करते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट किस हिसाब से क्वालिटी होनी चाहिए सक्सेसफुल ट्रेडर की। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, देखो हाउ टू असेस्ट योरसेल्फ, मतलब आप ट्रेड कर रहे हैं ठीक है, आप ट्रेडर बन गए हैं, आप कैसे असेस्ट करें कि मैं अच्छा ट्रेडर बन रहा हूँ, मेरे अंडर क्वालिटी डेवलप हो रही कि नहीं हो रही। देखो मान लो आपने कोई ट्रेड ले लिया ठीक है, सपोज आपने एक पेयर पर ट्रेडिंग ले ली, JPY INR EY INR या फिर USD INR, किसी के साथ एक पेयर के साथ ट्रेड ले लिया और आपके सामने प्रॉफिट शो कर रहा है 100 रुपया 50 रुपया 200 500 1000 जो भी है, बट वो आपका टारगेट नहीं है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है उसको बुक करने का ठीक है, शुरुआत में क्या होता है कि आदमी सभी से ही गलतियाँ होती हैं, जो भी नया आता है अगर उसको प्रॉफिट दिखता तो बहुत जल्दी कट कर देता है उसको, और लॉस के लिए वेट करता रहेगा, आस रहती है उसको शायद अब ऊपर आ जाए, शायद यस बैंक वालों में भी ऐसा ही किया होगा, ऊपर आया ही नहीं। उसका चार्ट चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, शायद 6 रुपये उसने लोअर सर्किट लगाया था एक बार। तो दोस्तों जब आपके दिमाग में एक्साइटमेंट नहीं होगा, आप छोड़ दो, अगर आपके सामने 1000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है तो वो कुछ नहीं है, भले उसके बाद आप लॉस पे आ जाओ वो ज़्यादा ठीक है, मैं ही बोलूँगा आपको, आपके पास 1000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है लेकिन आपका उतना टारगेट था तो उसके बाद आपका SL हिट हो गया तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो मेरे हिसाब से ठीक है। इसलिए एक्साइटमेंट नहीं करना, आपको दिखाई दिया प्रॉफिट कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, वेट करिए, जब आपका प्रॉफिट आए तभी बुक कीजिए, अब वेट कीजिए अंटिल हिट SL और टारगेट, या तो SL हिट हो या टारगेट हो। और फील ट्रेडिंग लाइट बोरिंग प्रेसेस बार बार, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप 9 बजे ही अपना ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन करें, आप 10 बजे 11 12 एक बार देख लिया नहीं तो पेड ट्रेडिंग 2 दिन बाद देख लिया ठीक है। बहुत टाइम क्या होता है कि आपको बाद में अफसोस होता है, मैंने अगर थोड़ी देर और इंतज़ार किया होता तो मुझे और प्रॉफिट मिलता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, आपके पास फिक्स प्लान होना चाहिए, ज़्यादा लालच भी नहीं करना, उस एरिया पर आपको निकल जाना होता है ठीक है, क्योंकि रिवर्स भी आता है वहाँ से, तो ये है दोस्तों ठीक। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, तो पे ट्रेड की क्या कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ यहाँ पर, हमेशा हम क्या करते हैं, देखिए कोई भी सस्ती चीज़ खरीदी जाती है दोस्तों और महंगी चीज़ को हमेशा बेचते हैं ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा, छोटा सा मतलब सिंपल एग्जांपल है, आलू की बात करूं अगर मैं, आपने देखा होगा कि जब आलू का सीज़न होता है 10 रुपये, गांव के एरिया में तो 8 रुपये 5 रुपये में भी आलू मिल जाता है दोस्तों, तो उस टाइम पे सब लोग चिप्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ लोग जो बड़े लोग हैं ट्रेडर हैं वो लोग उसको खरीद के बल्क में कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं, और जब 30-40 रुपया उसका रेट हो जाता है तो उस टाइम पे उसको सेल करते हैं। तो बात यही आती है कि हम सस्ता खरीद रहे हैं और महंगा बेच रहे हैं, यानी कि सस्ते में हमने ख़रीदा चिप्स बनाने के लिए या फिर अपने स्टोर में कोल्ड स्टोर में डालने के लिए, और बेचा कब, जब वो महंगा हुआ 40 रुपया 50 रुपया, ऐसा भी तो रेट आता है ना आलू का, आपने देखा होगा आप ख़रीदते होंगे सब्ज़ी,
ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आप मार्केट में सब्ज़ी लेने गए, लेट गए, आपने 9-10 बज गया, लेट चले गए, तो देखते होंगे लास्ट में जो सब्ज़ी 40-50 रुपये किलो हो रही होती है, वो बोलता है 10 रुपये में सारी ले जाओ। तो इसलिए वो सब्ज़ी आप देखेंगे उसमें सड़ी गली पिचकी कुछ बेकार ऐसी होगी या फिर मुरझाई सी होगी। तो इसलिए स्टॉक की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, खाली क्वांटिटी से नहीं होता दोस्त, हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती। इसलिए जो हम पे ट्रेड करते हैं, तो इसलिए इंडिया में 4 जो पे ट्रेडिंग है वो बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आप अपने स्कूलिंग टाइम से भी सुनते आ रहे होंगे कि डॉलर, यूरो और GPY, जैसे येन होगी, और बहुत अच्छा है, तो बहुत सारी करेंसियाँ हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 4 ही अलाउड हैं जिन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि लंबे टाइम से परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। और लॉस की प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी वाले मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। तो लास्ट में आपको एक लास्ट टॉपिक रह गया, फिर हम क्लोज करेंगे वीडियो, वैसे बहुत लंबा हो चुका है। देखिए सक्सेसफुल ट्रेडर की क्या क्वालिटी होती है, वो क्या, अगर ये चीज़ आपके अंदर आ गया तो समझ लो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके हो या फिर बनने वाले हो, ठीक है। आप एग्ज़ाम पास होने वाले हो एक ट्रेडर का। आपके अंदर इमोशन पर आपने कंट्रोल करना है सबसे पहले। अगर इमोशन पर आप कंट्रोल कर रहे हो तो आप फर्स्ट स्टेप, ये आपके स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ग्रीड, आपको लालच, जो आपने बताया था कि ग्रीन दिख रहा तो आपको लालच आ रहा है। डर कि कहीं मेरा ये प्रॉफिट लॉस में ना हो जाए, जल्दी निकल जाओ, इस चीज़ से भी आपको उभरना है। मनी मैनेजमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मनी मैनेजमेंट आपको 3-4 एग्जांपल भी दे दिए, जैसे कि बुरी से बुरी स्थिति के लिए निपटने के लिए आपको अपने पैसे को कितना यूटिलाइज़ करना चाहिए और कैसे अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है। और एक आती है स्ट्रेटजी, एक कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक स्ट्रेटजी आपके पास ज़रूर, एक ट्रेडिंग टर्मिनल या फिर कोई भी एक सीट, कोई एक स्ट्रेटजी ज़रूर होनी चाहिए। आप आँख बंद करके तो ट्रेड नहीं कर सकते ना, तो और आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हुए, आपका टारगेट आया तो आपको एग्जिट, आपका SL आया तो एग्जिट, एक्ट लाइक, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, एक्ट लाइक अ रोबोटिक, जैसे रोबोट होता है ना, रोबोट को आप जैसे बटन दबाओ आगे चलने का, पीछे चलने का, हाथ उठाने का, घूमने का, तो आपको ऐसे ही करना है। आप इमोशंस को हैवी मतलब हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, ठीक है, ये आपकी क्वालिटी को डेवलप करेगा। और बिना हेजिंग के कोई भी ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। आप देखते होंगे जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वगैरह ये लोग अरेंज करते हैं, ये लोग खुद हेज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो छोटे ट्रेडर हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल लागू है दोस्तों, ठीक है। तो बिना हेजिंग कोई भी ट्रेड नहीं होना चाहिए, और जब आपने ये सोच लिया अपने दिमाग में कोई भी ट्रेड लेने से पहले, तो ये आपकी क्वालिटी को बिल्डअप कर रहा है, बढ़ा रहा है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ ले जा रहा है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि अवॉइड मिस्टेक रिपीटेशन, मतलब जैसे आपने एक गलती करी इस बार, आप सेम गलती दूसरी बार कर रहे हो तो फिर जानबूझ के की हुई गलती होती है, अनजाने में नहीं कहलाती, तो अपनी गलतियों को सुधारना है। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है दोस्तों, जो भी आप ट्रेड लें उसको नोट डाउन करें एक सीट पे, ठीक है, प्रॉपर लिखें कि मैंने कितने में ट्रेड लिया, कितने तारीख को लिया, कब बेचा, मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या यहाँ पर गलतियाँ हुई, क्या कुछ और सुधार हो सकता था, क्या मैंने जल्दी तो ट्रेड नहीं ले लिया। तो इस टाइप से अगर आप मेंटेन करेंगे एक डेटा को, एक हिस्ट्री को, ट्रेडिंग हिस्ट्री को, इन फ्यूचर में आप वहाँ पर गलतियों से बचेंगे, सीख पाएंगे, जब आप उसको देखेंगे, इससे आपका ट्रेडिंग हैबिट भी बढ़ेगी और आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप को अपडेट भी रखना, अब ग्लोबली क्या चल रहा है बोल के, ठीक है, और करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत बजट में क्या चल रहा है, तो धीरे धीरे इस चीज़ की तरफ आप चलेंगे। हालांकि पेयर ट्रेडिंग में इसका उतना मतलब नहीं रहता है, आपको कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डालती मार्केट की कोई भी चीज़, ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे सेफ समझता हूँ बिगिनर के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आज मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया दोस्तों, और कोशिश करूँगा कि आप इसे पसंद करें। और मेरा एक चैनल है दोस्तों करेंसी पेयर ट्रेडिंग बोल के, इसका सिंबल है यहाँ पे, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, लाइक करें, ताकि मैं ऐसे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों, और जिस किसी को भी ये सीट चाहिए, यहाँ पे एक नंबर भी दिया हुआ है, आप अगर वीडियो खोलेंगे तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। आपको भले ही इक्विटी फ्यूचर्स में करना हो या फिर
करेंसी में ट्रेड करना हो और ये प्रॉपर दोस्तों। हाँ एक चीज़ और बताता हूँ लास्ट में आपको। देखिए क्या होता है कि आप अगर आप बैक टेस्टिंग चेक करते हैं किसी भी इंडिकेटर या फिर किसी भी मान लो कोई इंडिकेटर आपने लगा दिया इस पर, उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ईजी लगेगा, लेकिन ग्राउंड में जब आप रियल लाइफ से अपने ओन मनी से ट्रेड करेंगे तो आपके पास बहुत इमोशन आएंगे, आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों ट्रेड। इसलिए बैक टेस्टिंग न करते हुए हम फर्दर टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। मेरे पास एक सीट है जो पे ट्रेड इसी से रिलेटेड है, इसमें जब जब ट्रेड आता है दोस्तों मैं वहाँ पर वर्चुअल ट्रेड लेता हूँ। हालाँकि मेरे पास इतना फंड नहीं है 50 लाख 1 करोड़ कि मैं इस पर ट्रेड कर पाऊँ, तो मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ तो मैं अपना करेंसी में ट्रेड करता हूँ। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों जब जब ट्रेड मिलता है मैं यहाँ पर वर्चुअली ट्रेड लेता हूँ, और मैंने एक सीट तैयार करी है उसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा के, तो वहाँ पे आपको PNL दिखाई देगा रोज का, आज कितना प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। उसमें 7 से 8 ट्रेड जितने भी सिग्नल जनरेट होते हैं जो भी क्वालिफाई करते हैं हमारे क्राइटेरिया को हम वहाँ पर ज़रूर ले लेते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।